किस तरह का आईब्रो चाहिए आपको? जैसे कि ये मोटा है तो मोटा ही चाहिए या पतला चाहिए? ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। और ये उठा हुआ चाहिए या कैसा चाहिए, क्योंकि ये सीधा आईब्रो है? उठा हुआ चाहिए। तो उठाएंगे ना तो थोड़ा सा पतला होगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल होगा। बोलो, ज़्यादा पतला नहीं करिए। ज़्यादा पतला नहीं करिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कस्टमर का डिमांड है कि इनका जो ग्रोथ है बहुत पतला भी ना हो और बहुत चौड़ा भी नहीं रहे, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। और देखिए, इनको उठा भी चाहिए, जब सीधा, ये बिल्कुल सीधा आईब्रो है। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरह से बनाऊंगी। तो आप लोग को भी यदि ऐसा सीधा आईब्रो मिले और उसे आपको उठा के बनाना हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप स्ट्रेचिंग करवा के नीचे से निकालेंगे और उसके बाद ही ऊपर का बनाएंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेफ्ट आईब्रो से। स्ट्रेचिंग कराना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इनको चाहिए ऊंचा आईब्रो। तो इस तरह से मैं स्ट्रेचिंग करवा ली हूँ और उसके बाद मैं बना रही हूँ नीचे। नीचे बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, पीछे खड़ा होना होता है, तो पीछे मैं खड़ी हूँ और इस तरीके से यहाँ पे मैं शेप ले रही हूँ। जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आपको एक गाइडलाइन बनाना ज़रूरी होता है, तो एक गाइडलाइन यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। आईब्रो के हेयर के अंदर धागे को ले गई और इस तरह से निकाल देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन बन गया है और इसी से आगे मैं बढ़ रही हूँ। इसी से आगे थोड़ा सा ऊपर करते हुए बढ़ना, क्योंकि उन्हें ऊंचा आईब्रो चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल शेप करते हुए निकलना है आपको, बिल्कुल शेप करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आईब्रो छोड़ के देख लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे छोड़ी, तो अभी का अब शेप देखिए क्या हो रहा है कि ये यहाँ तक आया। अगर आप और आगे चले जाएंगे क्या होगा, इतना छोटा सा आईब्रो बन जाएगा। तो ये हेयर ग्रोथ है ना, तो इसके हिसाब से क्या करना है, अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो क्या होगा, ये सीधा आईब्रो होते हुए भी बहुत ही अच्छा से ऐसा शेप आ जाएगा, आर्च वाला। करिए फिर से, और इस बार कहाँ से स्ट्रेच करवाना है, यहाँ आज के पास से। अब आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है ये सीधा की तरफ भाग रहा था, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसे नीचे घुमा दे रही हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, ये आज का शेप आ जाएगा और आईब्रो सुंदर दिखेगा। कस्टमर का जो डिमांड था कि उन्हें ऊँचा आईब्रो चाहिए वो भी हो गया, आज शेप वाला चाहिए वो भी हो गया। तो इस तरीके से आप यदि काम करते हैं तो आप कस्टमर के हिसाब से आईब्रो उनका बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ एक दो और हेयर रह गए हैं, जिसे मैं क्लीन कर दूँ तो और भी अच्छा शेप आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ अभी मैं नीचे का बनाई हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आज वाला शेप आ गया है, और अब मैं ऊपर से भी कर दूँ तो और भी अच्छा सा शेप हो जाएगा। तो चलिए अब मैं ऊपर का बनाती हूँ। इस तरीके से यहाँ से यहाँ शेप होने के बाद मैं फिर से बैक में आ गई हूँ, नीचे खींचो सिर्फ नीचे, और इधर का मैं शेप कर दे रही हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आईब्रो है कितना सुंदर एकदम मीडियम लेंथ में और आज के साथ उठा हुआ आईब्रो बना है, जैसा कि मेरी कस्टमर चाहती थी। अब आप ये आईब्रो देखिए, आप दोनों आईब्रो को देखिए, ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है और ये आईब्रो आज शेप में आया है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताई कि किस तरह से आप सीधे आईब्रो को भी ऐसा शेप दे सकते हैं। इसके लिए मैं क्या की, आप लोग देखें पहले, अब मैं चलिए मैं राइट आईब्रो को बताती हूँ। यदि आप स्किप कर कर के देख रहे हैं तो फिर से बैक जाइए और लेफ्ट आईब्रो को मैं कैसे बनाई हूँ इतना अच्छा शेप, ये जा कर के आप देखिए। तो मैं आ गई राइट आईब्रो। राइट आईब्रो में सेम उसी तरीके से पहले मैं नीचे बना रही हूँ। और मैं नीचे क्यों बना रही हूँ, मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि मुझे ये सीधा आईब्रो मिला है और इस सीधा आईब्रो को ऊंचा करके बनाना है, उठा के बनाना है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, पहले नीचे ही शेप करना है। नीचे शेप करने से क्या होगा ना कि ये उठा हुआ बन सकता है, जितना आप चाहें ऊँचा कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर जितना बचा रहेगा ग्रोथ उसी हिसाब से आपको हेयर को निकालना है। तो इस तरह से ऊंचा उठा हुआ आईब्रो बन सकता है। तो इस तरह से मैं नीचे का शेप कर ली और फिर से उसी तरीके से जैसे लेफ्ट आईब्रो में मैं बताई थी, चेक करना है आपको कि कैसा आईब्रो बना है, कहाँ तक उठा है। देखिए ये यहाँ तक आया है सही,
ये यहाँ तक सही आया है, यहाँ से थोड़ा सा और निकलेगा तो ये क्या होगा, और ऊंचा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा और निकालूंगी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको चेक करना है कि कैसे आप बनाएं कि आपका एकदम परफेक्ट आईब्रो बने। पकड़िए फिर से, तो मैं फिर से आ गई यहाँ आज के पास, थोड़े से और हेयर को निकाल रही हूँ यहाँ, थोड़े और हेयर को, क्योंकि यहाँ मुझे ऊंचा दिखाना है। तो यहाँ हो गया नीचे का शेप बहुत ही परफेक्ट, और अब मैं ऊपर का कर रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ ऊपर का, तो ऊपर का बनाने के पहले मैं हेयर कट कर ले रही हूँ, बढ़े हुए हेयर को कट कर ले रही हूँ। कट कर लेने से क्या होता है कि शेप अच्छे से समझ में आता है कि आपको कहाँ से निकालना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कट कर ली, और उसके बाद थ्रेड को यहाँ पे लगाई, और उसी तरीके से चौड़ा शेप में जैसे लेफ्ट आईब्रो बना है बस वैसे ही इस तरह करना है। आज के पास आने के बाद थोड़ा सा मूव कर देना है नीचे की तरफ, और इस तरीके से ये भी आईब्रो कंप्लीट हो गया। ये है आज के आईब्रो का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा आज का आईब्रो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आज कुछ आप लोगों को डिफरेंट बताई हूँ कि किस तरह से सीधे आईब्रो को भी आप ऐसा आंचला शेप दे सकते हैं, वो भी बगैर ज़्यादा पतला किए हुए। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।